आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, तो साथ में बने रहिएगा क्योंकि आज मिले हम एक बॉलीवुड स्टार भाई। सच में भाई बॉलीवुड स्टार है और मतलब हमारे एरिया के, और अभी लॉकडाउन की वजह से घर की तरफ आए हुए हैं और अभी उनका कुछ शूट चल रहा है जो हम लोग ही कर रहे हैं, अभिषेक भाई कर रहा है। और व्लॉगिंग करने का मूड नहीं था लेकिन भाई मिल गए तो करना पड़ेगा भाई, और अभी उनका शूट चल रहा है तो मैं आपको शूट दिखाता हूँ थोड़ा, उसके बाद अपन भाई से मिलते हैं। कैसा? क्यों भाई? अरे अरे मास्टर घबरा गए रे। ए हंस, बता ना मास्टर को। अरे शिवा ने जो किया मास्टर। चलिए मैं समझाता हूँ। होटल की जिम है तो पहले क्या करते हैं, उनकी बॉडी बॉडी बनाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट। भाई शूट कंप्लीट हो गया यार, क्या एक्टिंग करते हैं भाई यार, मजा आ गया कसम से भाई, मजा आ गया, गजब एक्टिंग करते हैं। क्यों पंकज भाई, कैसे भाई? एकदम गजब यार, मजा आ गया। पंकज भाई है भाई और सोनू भाई को यही लेके आए थे और इनको थैंक्स बोलते हैं कि इन्होंने उनसे मिलवाया हमें। क्या बात है भाई। ओके तो भाई नीचे मिलते हैं सोनू भाई के पास। ओके तो इंतजार अभी खत्म करते हैं और सोनू भाई से आपको मिलाते हैं, ठीक है? कुछ खा पी रहे हैं, उसके बाद अपन उनके साथ पर्सनली बैठ के मिलेंगे और बातचीत करेंगे, मजे उठाएंगे। अभिषेक भाई अपना सामान समेट रहे हैं। क्या अभिषेक भाई, शूटिंग में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, आज तो शूट करके आज किया भाई प्रोफेशनल शूट पूरा, जैसा बॉलीवुड के अंदर होता है वैसा। मतलब एक 4 मिनट के सीन के अंदर हमें 4 घंटे लग गए, 4 घंटे भाई, दिमाग खराब हो गया। लगातार 4 मिनट का डायलॉग था और भाई उन्होंने कैसे बोला वो ही जानते हैं भाई, हमें तो कुछ नहीं पता। क्यों भाई अभिषेक भाई, डायलॉग कितना बड़ा था यार, 4 मिनट का डायलॉग था वो। 4 मिनट का डायलॉग था और चार घंटे लग गए भाई, दिमाग खराब हो गया सबका, और वो भी भाई फुल ऑफ एनर्जी के साथ उन्होंने बोला, मजा आ गया सुन के भी। अभी खा पी रहे मजे से। क्या हाल चाल सोनू भाई? ठीक है तो अभी इनसे मिलते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मतलब सुबह हम 12 बजे सभा का डांस शूट करने आए थे और हमें पता भी नहीं था कि हम व्लॉग करेंगे क्योंकि भाई टाइम भी नहीं मिलने वाला, कब सोनू भाई आ गए और कब व्लॉग स्टार्ट हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो व्लॉगिंग का यही सीन है भाई, कहीं भी शुरू हो जाए, जब भी आपको मौका मिले आप शुरू हो जाए, ठंडो कोई दिक्कत नहीं थी। आज मेरे पास स्टैंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सीधा फ़ोन से शुरू किया और अपना व्लॉग तैयार है भाई और अभी अपलोड कर देंगे कल या परसों तक। क्या हाल चाल है भाई? मस्त। तो बेसिकली ये मेरे गांव से है इसीलिए आज मैं इनसे मिल पाया, और यहाँ पे ये रहते नहीं है, रहते मुंबई में है, तो अभी लॉकडाउन के कारण ये अपने गाँव आए हुए थे और अभी इनका कुछ शूट था, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए भाई, मुझे नॉलेज नहीं उसका। शूट तो ये है कि अभी लॉकडाउन में गांव में है तो कुछ ना कुछ चाहिए एक्चुअली आदमी को, तो कुछ ऐसा शूट कर रहा था मैं, तो भगवान ने चाहा तो जल्दी आपको बताएंगे कि किस चीज़ का ये शूट है। और ये शूट यहाँ किया है पर गया मुंबई ऐसे था। तो ये बेसिकली इन्होंने आपको बताना चाहूँगा कि एक मूवी के अंदर भी काम किया है, जो अभी लेटेस्ट अपनी मूवी आई है, कौन सी मूवी थी भाई? रिजवान मूवी के अंदर इन्होंने काम किया। तो लॉकडाउन के कारण शायद नहीं, ऐसा नहीं है, वो फिल्म जो है वो 28 फरवरी को रिलीज हुई जी और 10-15 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया, तो पर फिर भी इंडिया के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सब जगह रिलीज हो पाई, पर लॉकडाउन का नुकसान सबको हुआ है, तो हमें भी होना था, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी फिल्म करेंगे तो नया काम करेंगे। और हमने सुना है टीवी सीरियल के अंदर भी आपने काम किया। हाँ, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी उसी दौरान में एक सोनी टीवी पे एक सीरियल आता है जिसका नाम है विघ्नहर्ता गणेश। हाँ, तो उसके अंदर मैं शिवजी के बेटे का रोल निभा रहा था, वीर महेंद्र का,
पर ये भी लॉकडाउन की वजह से बीच में रुक गया। बीच में उन्होंने बुलाया भी, पर मैं थोड़ा सा सतर्क हूँ कोरोना को लेकर, गया नहीं अभी, पर अब मैं तैयार हूँ जाने। तो सही है भाई, हमसे मिल ली इस बात में। तो भाई मेहनत आपको करनी होती है, तो आप किसी भी जगह हो चाहे, मेरा गाँव एक छोटी सी जगह है और यहाँ से मेहनत करते करते भाई मुंबई पहुँच गए और मूवी भी कर ली, और रिजवान मूवी आउट ऑफ इंडिया हुई, आप सबको बताना चाहूँगा। अफ्रीका में शूट हुआ था इसका। तो मैं गांव से, मैं गुचावास से बिलोंग करता हूँ और तारानगर तहसील में है वो गांव। तो यहाँ से सीधा आप कह सकते हो कि अफ्रीका पहुँचे हैं भाई, यहाँ से सीधा। और अभिषेक भाई अपना शूट कर रहे हैं और पंकज भाई ने इन्होंने हमें मिलवाया है। पंकज भाई एक बार इधर आ जाइए आप। नहीं, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है, वरना मुझे मौका नहीं मिलता, शायद ही मिलता। नहीं होगा क्या, यहाँ पे सब मिले हैं, ये भाई जोशी है, लाइक वाल तो और इतना फॉर्मल क्यों हो रहे, बड़ा ही कैजुअल वे में आप बात करी रहे हैं, आप हैं तो हम बात ही नहीं। तो आप व्यूअर्स को कुछ अच्छी बात बताना चाहोगे? आपके व्यूअर्स जो है बताइए कि आप किस टाइप के वीलॉग बनाते हैं, तो उसमें कौन से ऑडियंस ज़्यादा है? मेरे मतलब जो किस एज के और क्या क्या एज, तो मतलब 20 से लेकर 35 की एज तक मेरे ब्लॉग चलते हैं। ठीक है, उसमें किस टाइप के ऑडियंस होते हैं? ऑडियंस मतलब मैं रूटीन ब्लॉग भी करता हूँ और जो मुझे आसपास कुछ अच्छा लगता है, कोई भी प्लेस जो लोगों ने अभी तक यूट्यूब के ऊपर देखा नहीं है, वो प्लेसेस भी मैं लोगों को दिखाता हूँ। अपना काम बस इतना ही, ठीक है। और मैं शूट भी करता हूँ, गाने वाने शूट कर लेते हैं अभिषेक भाई के साथ, चला जाता हूँ कभी कभी, तो वो मेकिंग वगैरह भी मैं दिखा देता हूँ। तो लोगों को मैं नॉलेजेबल चीज़ें ही दिखाता हूँ। कितना टाइम हो गया मुझे अभी तक? लगभग 1 महीना और 10 दिन हुए होंगे। 1 महीना 10 दिन हुए बस? हाँ बिल्कुल। और मैंने ब्लॉग, मैंने 13 ब्लॉग शूट कर लिए और अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सभी जो भी इनके व्यूअर्स हैं, सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इनका व्लॉग हैं वो देखें और शेयर भी करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जितना प्यार दे रहे हैं और ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि सिर्फ 1 महीना हुआ है, 1 महीने में 13 व्लॉग बनाया है, इसका मतलब बंदा मेहनत कर रहा है और मेहनत करते हैं, वालों से सब प्यार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जितना प्यार बाकी व्लॉगर्स जो हैं उनको देते हैं, उतना प्यार भाई को भी देंगे। और भाई मूवी जरूर देखिएगा रिजवान, ठीक है? रिजवान OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी बहुत जल्द, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और बाकी आप जुड़े रहिए भाई के साथ। तो थैंक्स भाई इतना सपोर्ट करने के लिए। वेलकम। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। I should fuck her in the best, yeah.